और अब रुक करते हैं, मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, जोधपुर ने अपना स्पष्ट बहुमत दे दिया है, एक कांग्रेस के खाते में है और एक बीजेपी के खाते में है, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वही चेहरे हैं जिन चेहरों के आधार पर, जिनके सुझावों के आधार पर टिकट दिए गए। कुछ नाराजगी भी रही, कालीचरण सराफ नाराज थे, अशोक लाहोटी नाराज थे, नरपत सिंह राजवी नाराज थे, अशोक परनामी नाराज थे। नाराजगी का बड़ा कारण ये था कि संगठन ने अपने लिहाज से टिकट दिए, विधायक और पूर्व विधायक चाहते थे कि वो जो लिस्ट दें उसी लिस्ट पर ऐसे कैसे मुहर लगा दी जाए। यहां पर सतीश पूनिया जो हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने रिस्क ली, वो जानते थे कि कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, अंदर खाने बगावत भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक नया प्रयोग किया। अभी हमारे साथ मौजूद है सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर के सांसद हैं, इन्हें एक एक वार्ड की अच्छे से जानकारी है, क्योंकि दूसरी बार जयपुर के सांसद है तो बखूबी जानते हैं किस वार्ड की क्या स्थिति है, परिसीमन से क्या कुछ निकल के आया है। लेकिन यहां पर कांग्रेस को अच्छी विजय देखी जा सकती है, कहा जाता है शहरों की पार्टी बीजेपी है, जिस तरीके से आपकी उम्मीद थी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई भाजपा। देखिए, कांग्रेस ने 91 से 150 वार्ड कर दिए, फिर 2 नगर निगम के टुकड़े कर दिए और एक तुष्टिकरण के आधार पर वर्गों, इसके वार्डों का वर्गीकरण किया, तो इससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि फिर भी उसके बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ता ने जिस आधार पर चुनाव लड़ा है, जिस आधार पर प्रदेश संगठन ने टिकट का वितरण किया है, सबकी सहमति दी है, कुछ की नाराजगी हो सकती है और नाराजगी का कुछ नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ग्रेटर में स्पष्ट रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और जहां तक हेरिटेज में है तो अभी तक 30 सीटें कांग्रेस में आगे बढ़त ले रही है, 24 सीटें पर बीजेपी बढ़त ले रही है, 7 निर्दलीय कैंडिडेट बढ़त ले रहे हैं, तो हो सकता है कि हम हेरिटेज में भी नगर निगम में हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाए। अभी लेकिन सर, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कहा जाता है कि मुस्लिम उनके साथ थे, उनको फलों से तोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर परिणाम सामने है, जाए भले ही प्रदेश अध्यक्ष जी के क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम उनके साथ दिखे लेकिन वोट नहीं दिया उन्होंने। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने इस वर्ग को में विशेष जहर घोलने का जो काम किया है, वो अभी आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये कम्युनिटी एक तरफ थी और दूसरी कम्युनिटी एक तरफ थी, इनको चाहे वो राशन सामग्री हो चाहे राहत सामग्री हो, जिस तरह से 2 विधायकों ने वितरित करने का काम किया वो स्पष्ट रूप से पूरे राजस्थान में आपकी पार्टी में भी विभेद तो साफ तौर पर देखे, विभेद आप देखिए कि आपकी पार्टी के कई बड़े लीडर्स थे वो बिल्कुल साइड थे, संगठन सब कुछ फैसले ले रहा था और कुछ नाराजगी जाहिर थी, बहुत सारे लोग धरने पर बैठे रहे रात को, जब टिकट बटे तो कहा गया कि विधायकों ने ही उन्हें भेज दिया विरोध करने के लिए, पूर्व विधायकों ने भेज दिया, इस तरीके के आरोप भी लगे, तो पार्टी में संघ के पहली बार कहा जाए तो विचार परिवार के बोला जा सकता है, जो विविध संगठन है उन विविध संगठनों के 90 लोगों को टिकट मिले, उन वो कई विधायक और पूर्व विधायक चाहते नहीं थे, उन चेहरों को टिकट मिले, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा क्या जयपुर में? देखिए, विचार परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, विचार परिवार हमारे हर चुनाव में मदद भी करता है, उनके कहने से अगर टिकट दिए गए तो उसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है और विधायकों को भी इस बारे में आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि जब उनका चुनाव आता है तब संघ किस तरह से, विचार परिवार किस तरह से उनकी मदद करता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक सही फैसला लेकर काम किया है, हो सकता है इसमें कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा पर साथ साथ नुकसान के साथ साथ हर आदमी को साथ लेकर चलने का जो भाव है वो इस चुनाव में देखा गया। लेकिन कांग्रेस जो है वो शुरू से आप पर आरोप लगाती है कि आप लोग जोड़ तोड़ की गणित में विश्वास करते हो, आप लोग लोगों में विभेद करवाते हो, तमाम तरीके की चीजें, आप लोगों ने कोरोना को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कोरोना में विभेद किए गए, लोगों में आपसी विभेद किए गए वितरण में, लेकिन यहां पर विभेद जो है वो दिखे नहीं रिजल्ट में, यहां पर रिजल्ट कुछ और है, जबकि आप लोगों ने आरोप लगाया कि विभेद किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति या वर्गों के लिहाज से, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया रिजल्ट में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि विभेद करने में कांग्रेस में पहला नंबर का काम है और जहां तक मैं पहले कहा कि जो डिलिमिटेशन वार्डों का किया गया उस वार्डों में जिस प्रकार का जो लोगों में जिन लोगों का उन्होंने मदद की थी वो खुले आम भारतीय जनता पार्टी को, जैसे आप ही कह रहे हो कि सतीश पूनिया जी के 3 वार्ड हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने वोट नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस का विभेद की नीति है कि हम जोड़ तोड़ करके और हमारा बोर्ड बनाए, पर मैं समझता हूं कि वो मनसूबे पर खरे नहीं उतरेंगे। दूसरा कारण मैं कह रहा हूं, जब 3 तारीख को जब
रिजल्ट आ गए तो 11 तारीख तक उसको लटका के रखना, तो इसका मतलब है कि हॉर्स राइडिंग करने का काम ये करेंगे। एक और सवाल है यहाँ पर, वसुंधरा राजे हैं, सतीश पूनिया हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, तमाम तरीके के लीडर्स हैं, नहीं लगता कि इन परिणामों के बाद उन लीडर्स की जो राजनीति है उसका भी आकलन पब्लिक करेगी, किस लीडर की किस तरीके की राजनीति रही है? देखिए, जहाँ जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम आत्मचिंतन भी करेंगे और जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमजोर नहीं है लोकतंत्र में। जी, आप नहीं मानते जिन विधायकों या पूर्व विधायकों ने कुछ बगावत की अंदरूनी तौर पर, जिनकी रिपोर्ट आपके संगठन पे आई है, उनका भविष्य में उनके टिकट के लिए भी खतरा बन जाए? देखिए, निर्णय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। लेकिन आप लोग शिकायत तो करोगे ना ऐसे लोगों को? ये जिस पार्षद की कोई अगर शिकायत हुई है या उसके साथ कोई सबोटेज करने का किसी ने भी जनप्रतिनिधि ने काम किया है तो वो पार्षद वहाँ पर प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को शिकायत करेगा तो उसकी जाँच करा के, और जो एक्चुअल जो पोजिशन है, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जिसकी सपोर्टेज भी नहीं हुआ वो भी हार तो जाता है किन्हीं कारणों से, पर वो शिकायत करता है। पर एक्चुअली में जहां जो सबोटेज हुआ है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से सबोटेज हुआ है या संगठन के माध्यम से सबोटेज हुआ है, जो हमारे मंडल अध्यक्षों का और कोई मंडल के पदाधिकारी के माध्यम से कोई सबोटेज हुआ है तो उस पर जांच करके जो भी प्रदेश नेतृत्व निर्णय ले उसके लिए। चेहरों पर भी पॉलिटिक्स हुई, पोस्टर्स में चेहरे लगाए गए, कई तरीके के चेहरे थे, कई तो बिल्कुल अलग चेहरे लगा दिए, किसी ने अपने लिहाज से चेहरा सेलेक्ट किया। आप मानते हैं चेहरों के आधार पर भी वोट मिलते हैं पोस्टर्स में जो चेहरे लगाए जाते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पर जो प्रदेश के आधार पर जो सीनियर लीडर्स हैं उनको उनका फोटो गायब नहीं होनी चाहिए। तो रामचरण बोहरा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मंथन की जरूरत है, लेकिन मंथन के साथ साथ जिस तरीके से वार्डों का पुनर्सीमांकन किया गया उसकी वजह से भी काफी कुछ बदल गया।